हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं आपको कक्षा 6 की वसंत हिंदी वाली बुक पढ़ा रही हूँ, जिसका चैप्टर 5 है। चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। इस चैप्टर में आपको अभ्यास कराने वाली हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो सुन के। तो भाई, हमें बताना ये है कि आजकल हमारे चैनल पे ना बम्पर ऑफ़र चल रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 महीने तक हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एक दिन में कम से कम 15 लोगों को शेयर करना है, 15 ग्रुप्स में शेयर करना है। इससे कम मत करिएगा। इससे कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। जो टॉप 10 लोग होंगे, जिन्होंने 30 जुलाई तक सबसे ज़्यादा शेयर किए होंगे, उनको ये गिफ्ट्स दिए जाएंगे। और आपको बता दें, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो 5 अगस्त को घोषित किया जाएगा। बस इतनी सी जानकारी देनी है, और बाकी की जो डिटेल होगी वो चैप्टर के बाद में बताई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने सबको सुन लिया होगा। अपना चैप्टर शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी की अक्षरों की खोज से हम इतिहास को जान पाए हैं। इससे पहले मानव सभ्यता लिखित इतिहास प्राप्त नहीं था। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी, और अक्षरों की खोज मनुष्य की प्रगति के पथ पर ले आई। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वो ये है, अक्षरों की खोज का जो सिलसिला था, कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखना है। तो पहला हमारा उत्तर है जो हमारा, वो ये है, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि, ठीक है। और इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बना देता था। समझ रहे हो इनकी बात, मतलब एक गोला बना दिया, इस तरीके से चारों दिशाओं में लाइन्स खींच दी, तो मतलब क्या हो गया, सूर्य बन गया, ठीक है। बाद में यही चित्र ताप धूप का घोतक बन गया। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफ़ी दिन बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेते थे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा, वो ये है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उसे लिखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। ध्वनियों की संगठित इकाई से क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं। अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपनी भाव वाक्य व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। आज के समय अक्षरों के बिना भाषा की कल्पना करना असंभव है, क्योंकि भाषा और अक्षर एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा और अक्षर क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान किया जाए तो वही स्थायी होगी, अन्यथा नहीं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो पांचवा है, वो देखते हैं क्या है। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अनुमान लगाओ और बताओ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये है, पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, क्योंकि उनके पास उनका इतिहास नहीं था। वे सोचते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, इसलिए धरती की प्रत्येक वस्तु उसी ने बनाई है। लोग जिस वस्तु के विषय में जानते नहीं थे उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कल्पना करो कि यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता। तो इन्होंने उत्तर लिखा है, यदि हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हम अपने इतिहास के बारे में नहीं जान पाते, हम पुरानी पीढ़ी के ज्ञान से कुछ सीख नहीं पाते, और हमारा विकास तेज़ी से नहीं होता।
अगला है हमारा क्वेश्चन सातवां, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने, इसे उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो शुरू में जोड़ दिए जाते हैं वही हमारे क्या हो जाते हैं, उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्द को लिखकर उनके अर्थ को समझो। जैसे उन्होंने लिखा असफल, तो आ को अगर अलग कर देंगे तो हमको सफल भी अलग मिल जाएगा, तो अ क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऐसे ही अ प्लस अदृश्य हो जाएगा, अनु प्लस नहीं उचित, ठीक है। पहले तो ये इन्होंने का क्या लिखा है ये देख लेते हैं। अब बताओ कि ये उपसर्ग जिन शब्दों से जुड़ रहे हैं उनमें कोई अंतर है कि नहीं, तो भाई अंतर तो थोड़ा होगा ही। जैसे कि इन्होंने असफल से सफल बनाया, तो ये असफल मतलब फेल, सफल मतलब पास, अदृश्य मतलब गायब, दृश्य मतलब जो हमको दिख रहा है, अनुचित मतलब जो सही नहीं है, उचित मतलब जो सही है, अनावश्यक मतलब जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यक मतलब जिसकी ज़रूरत है, अपरिचित सब में से हमने आ हटा दिया है, ठीक है। आ हमारा क्या है, उपसर्ग है। और अपरिचित मतलब अपरिचित जिसको हम नहीं जानते, अपरिचित मतलब जिसको हम जानते हैं, अनिच्छा मतलब जिसकी हमें इच्छा नहीं है, इच्छा मतलब हमें जिसकी इच्छा है, मतलब वो शब्द बन गए हैं उल्टे, विलोम शब्द बन गया है यहाँ पे आ जुड़ने से। तो ये कह रहे हैं, वही बता रहे हैं कि ये जो अर्थ आ रहा है वो विपरीत हो गया, मतलब विलोम बन गया है, फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जो इन्होंने दिया है, ठीक है। इस तरीके से जो आपका चैप्टर वो कंप्लीट होता है। वो लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कराया नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो क्या करेंगे आप पढ़ के, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ो। वैसे भी मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होता है वो नहीं पढ़ा रही हूँ फिलहाल। तो चलिए भाई, आपका वीडियो जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो सुन के जाइएगा, ठीक है। तो भाई आपको ये इम्पॉर्टेंट बात ये बतानी है कि जो हमारा चैनल है इस पर एक ऑफ़र चल रहा है। क्या करना होगा आपको, सिर्फ एक महीने तक आपको हमारे चैनल को हर दिन कम से कम 15 ग्रुप्स में शेयर करना होगा। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जिसके एक महीने में सबसे ज़्यादा शेयर होंगे, ठीक है, उनको ये गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट कुल 10 लोगों को मिलेगा, उनकी रैंकिंग के हिसाब से मिलेगा। और आपको बता दें, रैंक उन्हीं की बनेगी जो एक दिन में 15 से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो 15 से कम शेयर करेगा, चाहे 14 ही कर रहा हो, तो वो रैंकिंग में नहीं आएगा। तो अगर आप रैंकिंग में आना चाहते हैं तो 15 से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा एक दिन में, और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये फ्री में गिफ्ट चाहते हैं तो भाई हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो ये तो हो गई भाई, और इसका रिज़ल्ट जो होगा 5 जुलाई को होगा। और आपको बता दें, जब आप हमारे चैनल को जाएंगे, आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया होगा उसके लिए थैंक यू, नहीं किया है तो कर लीजिए। तो भाई हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको आपके सब्जेक्ट की जो क्लासेज हैं वो मिल जाएंगी। और फिर आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के अदर 3 चैनल मिल जाएंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल क्रिएटिव चैनल है जो आपके माइंड को बूस्ट करेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव होना भी एक कला है जो आपका माइंड को बढ़ाती है। तो इन चैनल्स में क्या है, पहला चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। और दूसरा जो चैनल है जोजस किड्स मस्ती, जो बच्चों के लिए चैनल है, जिनमें उन बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे क्या उनको एक साथ कैसे सिखाया जाए। और तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हो घर की बेकार चीज़ों से, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन टिश्यू पेपर हुए, इनसे, ठीक है। तो भाई ये तो बात हुई हमारी। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा में हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो गुरु दक्षिणा देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। भाई पैसा नहीं मांग रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलते हैं, ताकि आपको हमारी क्लासेस का पता चलता है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।